सत श्री अकाल जी। आज की वीडियो मैं मोनोटाइज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इतों मैं कोई भी पैसा नहीं कमा रहा, तो इस वीडियो में मैं कमर्शियली कोई भी यूज़ नहीं लै रहा। आज की वीडियो बाकी वीडियोज़ नालों डिफरेंट होगी, मैं फैक्ट्स बारे गल करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखियो। पूरे 10 दिन हो गए ने सिद्धू मूसेवाले नूं यह दुनिया छड़ के गए हुए, पर हजे भी दिल ना कितना कितने मन नहीं रहा कि यह सब कुछ सच्ची हो गया। तो अज सिद्धू मूसेवाले की अंतिम अरदास का भोग से 8 तरीक, जिथे काफ़ी दुनिया भर के लोग पहुँचे हुए थे। सिद्धू मूसेवाले ने यह चीज़ किवें हुई, क्यों हुई, इहदा रीज़न की सी, की होना चाहिए सी, की नहीं होना चाहिए सी, इह तुसीं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ देखते सुन चुके हो। अज की वीडियो उन्हां मूर्खां बेवकूफ़ ते जमीर वेच चुके लोगों लिए जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले की इस मंदभागी घटना का कमर्शियली यूज़ किया। 29 तरीक नूं सिद्धू मूसेवाले बाई अकाल चलाना करके सी, ते 30 तरीक कई ने थंबनेल बना के प्रॉपर से हैशटैग सिद्धू मूसेवाला पा के काफी व्यूज ले अपने अकाउंट अपडेट किए। कई ना समझ जवाकों ने तो संस्कार तक के विलॉग्स बना देते, ते कुछ इमोशनली बनिया हुई सो कोल्ड भैन ने 10-12 विलॉग्स ही पा देते, ते बहुत सारे पैसे कमाए। अ बिग शेम टू ऑल ऑफ यू हू डिड दिस एंड यूज सिद्धू मूसेवाला डैथ टू गैट सम मनी एंड क्रेडिट यूर बैंक अकाउंट। से पैसा कमाने किसी की डैथ नु ही कमर्शियल बेस बना लिया, शेम ऑन यू। तो ये काफ़ी लोगों ने बनाया, काफ़ी न्यूज चैनल ने फायदा चुकया, काफ़ी होर ने जो अननोन है मैं उन्होंने बारे गल नहीं करूंगा, जो नॉन क्रिएटर्स ने पंजाब के या दूसरे यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, मैं उन्होंने बारे गल करूंगा जिन्होंने तुम ऑलरेडी जानते हैं। सब ना पहला है आप भाजी, यह महापुरुष जी ने जदों सिद्धू मूसेवाला अलाइव से उदों रज रज के इन्हां दी वीडियोज़ विच हेट दिखाया, नैगेटिविटी दिखाई भी, सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर प्रमोट करता, सिद्धू मूसेवाला कुड़ियों नाल धक्के करता, बाई गल नहीं बनी, मतलब इदां दे थंबनेल च ला के लोगों नूं यह दिखाया कि सिद्धू मूसेवाला दा कड़ी भी चीज़ आ उस चंगी चीज़ा छड के बस सिर्फ नैगेटिविटी दिखाई, मतलब डीफेम किया। तो इस बंद नूं गाला खाने का बड़ा शौक आ, कोई भी वीडियो चक के देख लो थले तुहानूं भर भर के गाला ही मिलणगियां। सिद्धू मूसेवाला भी जदों अलाइव से उदों भी इस बंदे नूं समझाया सी सिद्धू मूसेवाले ने कमेंट करके, कमेंट आहा सी भाजी कहते ने मैं क्रिटिक्स का कोई स्टडी की है, तो क्रिटिक्स के नाम से कोई भी चंगी चीज़ में कोई ना कोई नैगेटिविटी नुक्स लभ ही लेंदा। भाई 90% वधिया चीज़ा भी हैं, कदे वो भी दिखा दिया कर, नहीं आपां नैगेटिविटी दिखाउणी है सिर्फ, क्योंकि वो चलती है, थले गाला मिलती है सुनने। 295 गीत में सिद्धू ने गाया कटते ने गाला कई दाड़ी रख के, तो उस एल्बम के दूजे गीत में खुद ही गाला कढ रहे सन। पुछन वाला होवे भाई, असीं तैनूं पुछिया भी गाना चंगा सी माड़ा सी, तू एवें रिव्यू देई जाना। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ 2-3 ਘੰਟੇ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਟੋਪਿਕ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਥੰਬਨੇਲ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਥੰਬਨੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਮਿਸ ਯੂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਬਾਈ, ਥੋੜਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਏ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇ ਲੋੜੂ ਤੇ ਆਰੇ ਯੂ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬ੍ਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਤੇ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਚੈਟ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਬੋਲ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨੰਬਰਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਬਾਰੇ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਵੀਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂ
यूट्यूब वाल लाना मैं किमें करा। मैं तुम्हें दो घंटे बह के तो दसिया भी सभी यूट्यूब इदर का ग्रो हों वा तो उदो मेरे नंबर से 5 लाख प्लस होंगे सी। मेरी उदो टॉकिंग किदा की होंगी सी, बहुत हंबल सी। तो अज अगर थोड़े नंबर आ गए हैं तो हंबलनैस कितने की, थोड़े ईगो आ गई। मैं बार बार बाई न एक ही सवाल करता रहा कि बाई वेट कर सकते सी ना किसी के मौत से, तुम अगले दिन वीडियो पा रहे हो, एटलीस्ट तुम संस्कार तक वेट कर सकते सी ना। बाई का अगर मैंने रिप्लाई नहीं मिले क्योंकि जवाब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तीर छड़ चुके से, वीडियोस पा चुके से, व्यूज आ रहे 2-2.5 लाख हो चुके हैं। तो बाई जी कहते हैं मैं एजुकेशनल वीडियो बनाना, मैं मेरा कंसर्न हों लोगों तक सारी नॉलेज पहुंचाना। ठीक है, सिद्धू मूसेवाले की डैथ हुई, तुम पहुंचाई, 4 बंदे शहीद भी हुए हैं, उत्ते बारे गल की, अमृतसर खालसा कॉलेज भी गोली वजी है, वो बारे गल की। हॉट टॉपिक नहीं सी, उस पैसा नहीं बनना सीडा, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हॉट टॉपिक से। लोगों को बेवकूफ ना समझो तुम सरदार जी, थोड़ा अकल में हाथ मारो, शर्म करो थोड़ी बहुत कि मैं तो नॉलेज प्रोवाइड करता, एम ए क्रिटिक्स भी, मैं यदि स्टडी की है, बेइज्जती करने की भी कोई स्टडी होंगी है। तो एटलीस्ट तुम सिद्धू मूसेवाले की काफ़ी फिल्मों में माड़ा गया, मूसा जट तक तुम माड़ा गया, तुम्हें पता मूसा जट जी मूवी है वह बनने कि टाइम लगता, किन्नी क्रू लगता, किन्ने बंद की मेहनत लगती है, स्पॉट दादा तो लैके हीरो तक, राइटिंग तो लैके कि पैसा लगता वा। तो एक मिनट में यह कह रहे भी फिल्म बेकार से। आ थंबनेल चेक करो तुम्हें की लिखा हुआ वो बारे, ये ने जी निकिता जी सो कोल्ड सिद्धू मूसेवाले धक्के बनी भैन। मैं समझता सिद्धू मूसेवाले की मौत का सारे शौक से, दुख से, यह भैन भी दुख होगा भी मैं दुख आ। मूसा पिंड भी गई, भैन ने गलती यह करती कि यह आप तो गई पिंड मूसा पिंड, नाल 2 कैमरामैन लै गई, एक एडिटर लै गई, एक मेकअप वाला लैगी, जिद करके इन्होंने 10-12 वीडियोज़ बनाइया जो यूट्यूब पर पाइं, तो सारिया दारियाँ मोनोटाइज, मतलब किसी की मौत का फायदा उठाया, तो पैसे कमाए, तो फॉलोअर्स कमाए। मैं देख के हैरान रह गया, यूट्यूब तो छोड़ो, इस भैन ने इंस्टाग्राम से रीलों की नेरी लिया रखी सी। आए कमाल दा पुत मरवा के की मिलिया तेनू, आ साड़ी उम्र नी काटा पूरा होना, हा मेरा सिद्धू वीर नी मिलना मेनू, हा मेरा सिद्धू वीर नी मिलना मेनू। मतलब किसी की मौत हुई है, समझ दो तुसी किसी की मौत हो गई है, तो बंदा रिंग लाइट ला के डायलॉग्स याद करके फिर वो वीडियो बना के रिपीट रिपीट ना, उस तो बाद एडिट करके पिछे स्लो म्यूजिक लगा के फिर स्लो मोशन वीडियो बना के किमें कर लें यार, तुसी किसे कितों जिगरा आ जाता थोड़े को, कितों थोड़े को हौसला आ जाता। मैंने एक गल का जवाब दो, मेरे सवाल ने कुछ है भैन, पहला सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि तुम न्यूज़ रिपोर्टर हो, क्योंकि थोड़ा पुराना कंटेंट मैं जो देखे वो एंटरटेनमेंट वीडियो नचन टप्पण वाली रीलां सी, तो अज तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर वांगू क्यों जाके मूसा पिंड हर एक संस्कार का व्लॉग बना रहे हो, कि जेकर तुहाडे घर यह मंदभागी घटना हो जाती है, कुछ तुहाडा अपना दूर चला जाता है, इस दुनिया तो चला जाता वा, कि तुम फिर भी रिंग लाइट ला के डायलॉग्स बना के इदां दीआं वीडियोज़ पाओगे, कि घटना हुई है, बंदे शौक च होंदे ने ते इह टाइम कढ के डायलॉग्स लिख के उन्हूं रिपीट करके बोल के इदां दीआं रीलां पा रहे ने ते लोकां नूं बेवकूफ बना रहे ने, बस अपना गल्ला फुल कर रहे ने ते फॉलोअर बना रहे ने। आपां सारे जणे ने इस भैन की वीडियो इंस्टाग्राम से भी देखी होनी, यूट्यूब से देखी होनी, जां किसी ने शेयर की होनी है ना, मतलब आपां नूं देख के ही लगता कि सिद्धू मूसेवाले के बहुत करीबी से, मतलब जिवें बचपन तो नाल रह रही होवे। बट जदों इहनूं पुछया गया वी तुसीं सिद्धू मूसेवाले नूं कदे मिले सी, तां इह भैन दा जवाब सी, मेरी तो वीर ना कद गलबात हो ही नहीं पाई, मैं जो भी आई मम्मा ना गल करके चली गई, क्योंकि वीर उदो लैक्चर मतलब उन्होंने टिकट मिली सी उधर, तो मैं वीर ना मेरी गलबात ही नहीं हुई। मैंने ना इदा रील्स देख के ते वीडियोस देख के मैंने लगता कि भैन ना थोड़ी ना समझ आ, ये पिछले जी टीम काम कर रही है वो इतों करवा रही है, इनू कोई नॉलेज नहीं हैगी, इनू तो पंजाबी चंगी तरह बोलनी भी नहीं आती, तो मैंने लगता पिछले वाली टीम इतों यह चीज़ा करवा रही है, जिहड़ी भैन नू 3-4 साल बाद पता लगेगा कि मैं इन्नी बेवकूफ सी किसी की मौत पर जाके मैं तमाशे कर रही थी। तो भैन का मैं देखा कि कहते हैं ना भी एक्टिंग करनी कभी कई बार रियलिटी अंदर निकल जाती है, एक फुटेज में भैन का कित हासा भी निकल गया, मैं शॉक्ड सीगा ये चीज़ देख के, तुसी भी शॉक्ड होए होंगे, मतलब भी कई ने तो संस्कार के व्लॉग्स तक बनाते, तो लाइक शेयर कमेंट लिए मंग रहे ने भी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, व्लॉग्स बना रहे ने संस्कार दे यार किसी दे। हाँ जी, किवें सारे यार बई, हो वधिया होंगे बई, तुसी सारे ने डिमांड की भी पिंड मूसे जाके ब्लॉग बना के लिया, तो की माहौल आओ दस तो ब्लॉग बना लिया बई, थले लिंक नूं टैप करके ब्लॉग नूं देखो, तो चैनल नूं कर लिओ सबसक्राइब, कल बाई दे संस्कार दा ही ब्लॉग आऊगा। धन्यवाद। एक होर आ बई अपना, आह बई सलफास वाले बई, इदां दे पल्लां भी आपां न्याण मत देखी हुई है, इन्हां ने की कीता पिछे, जो भी होया इन्हां दा पास्ट विच आपां नूं पता, ते बई तो मैनूं यही उम्मीद सी वी इह कोई ना कोई रंग लाउणगे। इह बई जी ने की कीता, इन्हां दा इक ब्लॉग ऑलरेडी शूट सीगा जिथे गुरुद्वारे साहिब गए सीगे मदर जी नाल, ते विच जे न्यूज़ आ गई होणी है कि सिद्धू मूसेवाले डैथ हो गई, तो इन्हां ने मौके दा फायदा चक्किया, ब्लॉग पहला शूट किया वो रखिया, तो स्टार्टिंग माता जी का रोंद का क्लिप पाता,
टाइटल पाता जी सिद्धू मूसेवाले की डैथ। जदों लोगों ने थले कमेंट किए लापा की फिर बाई ने डिलीट कर दिता। चलो डिलीट तो होया, कई ने तो अजे तक डिलीट नहीं किया, बस थंबनेल ही चेंज करी जाते। पंजाब के क्रिएटर ने तो सिद्धू मूसेवाले की इस मंदभागी घटना से वीडियोज़ बनाई ने, लेकिन हिंदी यूट्यूबरस ने भी काफ़िया ने वीडियोज़ बनाई तो मौके का फायदा लिया, टाइटल पाया जिद ने सम्राट बाई तो एलविश यादव। पहला सम्राट भाई की वीडियो देखते हैं। वो पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनका नाम था, वो सेलिब्रिटी थे। एक सेलिब्रिटी रोड पे जा रहा होता है, कुछ लोग आते हैं उसके ऊपर हमला करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। एक सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति को लोग घेरते हैं, गोलियां मार देते हैं, तो ये किस चीज पे सवाल उठाता है? पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पे। थोड़ा सा सोचो, ये जो घटना घटी है क्या इसका असर पंजाब टूरिज्म पे नहीं जाएगा? जस्ट बिकॉज कई सालों से हम देख रहे हैं पंजाब का कल्चर ऐसा हो गया, मतलब जितने भी गाने बन रहे उसमें गन्स दिखाई जा रही है, ड्रग्स दिखाया जा रहा है, दारू दिखाई जा रही है, पूरे का पूरे सैनेरियो में वायलेंस वायलेंस वायलेंस। सम्राट भाई ने इस विच तीन गल्लां कीतीयां ने, पहले पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर बारे, सैकंड पंजाब के टूरिज्म बारे, थर्ड पंजाब के गन कल्चर बारे। हाँ, हौली हौली पंजाब थोड़ा जहा गैंगलैंड बनता जा रहा वा, बट इन रोकया जा सकता सिस्टम, पुलिस, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पंजाब। दूजी गल की है पंजाब के टूरिज्म बारे, कोई भी सिटी में क्राइम रेट वाधा वा तो टूरिज्म से इफेक्ट पैंदा वा, लोग उत्थे जाना नहीं पसंद करते। या टूरिज्म तो छड्डो, जदों इदां दीआं चीज़ां हुंदीआं ने, इदां दीआं मिसहैपनिंग्स हुंदीआं ने, मावां अपने बच्चों घरों बाहर भी नहीं कढ़दीआं, टूरिज्म तो बहुत ही दूर की गल। थर्ड गल की सम्राट भाई ने गन कल्चर बारे, पंजाब के गन कल्चर बारे, कि पंजाब में इदां दे गाने बनते हैं जिहड़े इंस्पायर करते हैं इदा दीज़ा वायलेंस न प्रमोट करते हैं। मैंने पहला गाइज लगता हूँ कि इदा के गाने जो गन वाले गाने ने, वायलेंस वाले गाने ने, ठाठू वाले गाने ने, एक कितना कितने नहीं इफेक्ट करते यार, क्योंकि जिस एज में मैं वा, मतलब मैं नहीं लगता कि मेरे से हावी होंगे ने भी इदा का कुछ हों वा। अबव या 25 या अबव 25 वाले जस्ट आप एक डांस लिए या मस्ती लिए गाने सुनते हैं। बट एक चीज़ मैं दसना चाहूँगा तुहानू कि मैं रीसेंटली ड्राइव कर रहा सी, मेरे ना मेरी नीस सीगी ते ओह राइम कर रही सी अठ रफलां गाने ते या दूजे गाने ते, ते मैंनू सोच के एक बार मैंनू सोच के होया कि इहदी एज 7 या 6 साल आ, एंड उन्हूं पता लग रहा कि रफलां की हुंदियां, बारूद की हुंदा, गोलियां की हुंदियां, जिहड़ियां इस एज विच नहीं पता लगनियां चाहीदियां। तां कितना कितना मैंनू लग्गिया कि ये चीज़ हाँ भी जां तां इहदा कुछ होना चाहिए, 18+ वाले सुनन, कुछ होना चाहिए, इदा दा रूल्स बनने चाहिए ने। ते बाकी यार एक चीज़ होर कहूँगा, तुसी देखिया कि कंटेंट क्रिएटर है जां म्यूजिक क्रिएटर है जां सोंग्स बनांदा वा, जिवें कि असी क्रिएट करदे आ कंटेंट, मैं वह बनाउंदा जो लोगों नूं पसंद आ, जो तुहानूं पसंद आ। तां यार तुसी वी हुण गन वाले सोंग्स अपनूं पसंद ही हुंदे सीगे, तां ही करके सिंगर्स ने भी रोटी खानी है यार, उन्होंने भी लोगों लई चीज़ां बनाउणियां ने, अगर तुसी पसंद कर रहे हो बनाउंदे आ। हुण तुसी सिंपल जिहड़े रोमांटिक गाने हुंदे ने जां दूजे किसे टॉपिक ते गाने हुंदे, उन्हां नूं वी प्यार देना शुरू करो, अपने माहौल चेंज हो जाना कि मैं भैया बदमाश हूँ, घर में घुसूंगा, गोली मार दूंगा, जमानत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, खुलेआम इलीगल गन्स दिखाई जा रही है, खुलेआम गोलीबारी हो रही है, पूरे का पूरे सैनेरियो में वायलेंस वायलेंस वायलेंस। सम्राट भाई कहते हैं कि पंजाब में माहौल खराब हो चुका, बहुत ज्यादा गन कल्चर है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, मतलब बहुत माहौल खराब हो चुका। भाई जी इन्ना भी माहौल खराब नहीं होया, तुसी रिसर्च में देखोगे कि पंजाब का जो गन कल्चर रेट है, वायलेंस रेट है, वह बहुत लोअर रेट है। यह मतलब यही हूँ इन वधाओ, इन कंट्रोल किया जा सकता। सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ा नाम सी, तां करके एक बहुत हाइप मिल गई इस चीज़ नूं, नहीं तो दूजे सिटीज़ विच, दूजी स्टेट विच इह कल्चर जिहड़ा रेटिंग आ बहुत ज़्यादा वा पंजाब दे मुकाबले। हुण पंजाब दा गन कल्चर, गन वायलेंस रेट घट आ, इहदा मतलब यह नहीं कि इहनूं नज़रअंदाज कर दो तुसीं आह फोटो देख के। हाँ, चीज़ां कुछ लागू होनियां जरूरी ने, आपां नूं इदां दीआं रील्स नहीं प्रमोट करनियां चाहिए, ना इदां गन वायलेंस वाली वीडियो नूं प्रमोट करना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना खुद क्रिएट करना चाहिए। तो लास्ट ईयर मैं सिद्धू मूसेवाले बाई बारे गल करना चाहूँगा कि सिद्धू मूसेवाले बाई ने यह घटना क्यों हुई, किमें हुई, की होना चाहिए सी, कौन ये पिछे से, की साजिश सी, ये बारे तुसी ना ऑलरेडी सारे न्यूज़ चैनल से दूजे वीडियोज़ से देख चुके हो। तो मेरा दिल भी नहीं करता यार मैं बार बार इस गल बारे, मतलब इस टॉपिक पर गल करा कि होया, क्योंकि सवेरे उठते सारे ना दिमाग च उही आता कि यह सच आ। सियाने कहते हैं कि कोई भी माड़ा बोल अपने मुँहों अपने लिए ना कड़ो, भी इदा मेरे ना हो जाऊ, उदा हो जाऊगा। तो सिद्धू मूसेवाले के बाई के जिन्हें गाने वो डैथ की गल होंगी, गोलियां की गल होंगी सी, लिखी मेरी जिंदगी दे मैं पते साडी अत ते अंत आ दो में ही हुंदे आ भरी जवानी च जो बरद तेरे उत्ते नूर दस दानी एदा उठुआ जवानी च जिन्ना जा मिठिए राइट विंडो बोनट ते बजे होया जिदे फैर सोणिए। दी लास्ट राइड गाने विच बाई जी ने ख्वाजा जी बारे गल कीती सी ते अपने ही जनाजे बारे गल कीती सीगी। ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ।
तो एज यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी तुसी बोल दे हो बार बार वो चीज़ नू बोल दे हो बार बार अपने लिए बोल दे हो कितना कितने यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर जाता नेचर नू नहीं पता तुसी अपने लिए सही चीज़ मांग रहे हो या नैगेटिव चीज़ मांग रहे हो नेचर अपना काम बखूबी जानती है वो कर देती है ता ही तो मामा कहती है कि भी पुत अपने मुँह तो माड़ा बोल नहीं कड़ी हों मामा सियाने ता ही कहते हैं भी माड़ा बोल ना कड्डो अपने लिए किसी लिए भी ना कड्डो माड़ा बोल कड़ना नहीं चाहिए मुँह तो यार एक चीज़ बड़ी चल रही है कि ट्रिब्यूट के नाम से सिद्धू मूसेवाला ट्रिब्यूट के नाम से लोग रीलां पा रहे हैं डांस कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं अगर तुम सिद्धू मूसेवाले सच्ची ट्रिब्यूट देना चाहते हो यार सचमुच देना चाहते हो तो उन्होंने स्पॉटीफाई के गाने सुनो या किसी होर म्यूजिक स्ट्रीम से गाने सुनो या यूट्यूब से गाने सुनो तो बाई की जी जिंदगी के लेते हुए फैसले से सही से या गलत से उन्होंने तो सिक्ख्या लवो भी की करना चाहिए जिंदगी की नहीं करना चाहिए तो गाइज अज की वीडियो में नो कि फिर क्योंकि यार 10 दिन हो गया हजे भी यकीन नहीं हो रहा दिल में कि यह सब चीज़ा हो गई तो मैं इस टाइम सिद्धू मूसेवाला यह टॉपिक पर वीडियो बना रहा इदा की कहीं सोचा भी नहीं जिंदगी तो तुम्हें भी नहीं सोचा होना इदा का तो काफ़ी सालों तक सिद्धू बाई के जान का गम दिल च रहेगा तो रही दुनिया तक अमर सिद्धू मूसेवाले का नाम भी रहेगा।